जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने टीजीटी कमीशन के लिए वीडियो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने पहली वीडियोस कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा प्लस वन का एक पहला चैप्टर है। और अब आज हम उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल की वीडियोज़ करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट में एक हर्ट ज़रूर रिएक्ट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियोज़ बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हम शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को पढ़ेंगे, जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक मास यूनिट होता है हमारे पास 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास, 1/12 ऑफ द कार्बन एटम होता है, जिसको हम डिनोट भी करते हैं किससे, ए एम यू से डिनोट करते हैं। और 1 amu की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। और अगर इसी को हमने किलोग्राम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इस किस पे लिखा है, किलोग्राम में लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अगर ग्राम में लिखे हो तो −24 लग जाएगा, और अगर किलोग्राम में पूछा होगा तो −27 लग जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास 1 मोल। 1 मोल किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 मोल किसके बराबर रहता है हमारे पास, 1 मोल रहता है हमारे पास 6.022 × 10⁻²³ के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मास ऑफ एटम, ये भी हमने वीडियोस में कर रखा है। पहली वीडियो जो हमने कर रखी थी उसमें मैंने आपको मास ऑफ एटम के बारे में बताया था, कैसे निकालते हैं हम इसको, निकालते हैं हम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³। अगर हमारे को मास ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, ये भी ऐसे ही निकालते हैं सेम, कैसे, मॉलिक्यूलर मास हमारे को निकालना है, मॉलिक्यूलर मास हमारे को निकालना है डिवाइड बाय फिर से एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को कैसे हम निकालते हैं कि हमारे को कितने एटम्स है किसी में, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, फिर से इसको मल्टीप्लाई करते किससे, एवोगैड्रो नंबर से। अगर हमारे को क्या निकालने, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। और नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यहाँ पर हमारे को नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 6.022 × 10⁻²³ क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं हम, देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कैसे निकालते हैं मोलैरिटी, हम यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, फिर से नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर ये मिली लीटर में होता तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता, हमारे को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, m1v1 = m2v2 हमारे पास क्या रहती है, मोलैरिटी की इक्वेशन रहती है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, ठीक है। तो करते हैं हम अपने क्वेश्चन ट्राई, ठीक है, कैसे हमारे कमीशन में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलता है, हमारे पास सी टैट में देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास सॉलिड, पहली असर्शन क्या बोलती है हमारे पास कि सॉलिड हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। तो ये क्या हमारे पास सही है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का, और क्या होती है शेप, क्या होती है डेफिनेट होती है। रीजन इसका क्यों ये हमारे पास डेफिनेट और वॉल्यूम रहता है और शेप रहती है, तो कि जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं, डेट एंड देर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब उनमें कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होती। तो रीजन भी क्या है इसका सही है, असरेशन भी क्या है हमारे पास सही है, और रीजन क्या है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असरेशन की। क्योंकि रीजन अगर उसके पार्टिकल वेरी क्लोज है उसी की वजह से तो क्या आता है, डेफिनेट वॉल्यूम आता है और शेप आती है,
ठीक है। तो मतलब जो रीजन हुआ हमारा, जो रीजन हुआ वो क्या हुआ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुई किसकी, जो हमारे पास असरेशन दे रखी थी। असरेशन क्या दे रखी थी, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें, इफ बोथ असरेशन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया, ठीक है। असरेशन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है हमारे पास वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असरेशन को, ठीक है। इसी रीजन की वजह से हमारे पास असरेशन आ रही है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होना था, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन में, 16 ग्राम ऑफ मीथेन में, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CH4। 16 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने हमारे पास नंबर ऑफ, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको हम, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको निकालेंगे। पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारे पास मोल्स कितने होते हैं, हमारे पास मोल्स कितने होते हैं मीथेन में, मीथेन में मोल्स कितने होते हैं, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, गिवन मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को मोलर मास कितना होता है मीथेन का, ठीक है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। तो मोलर मास कितना होगा मीथेन का, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने मॉलिक्यूल है 4, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 16 ग्राम आ गया। तो मोलर मास कितना आ गया मीथेन का, हमारे पास 16 ग्राम आ गया। गिवन मास क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन मास क्या दे रखा है हमारे को, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 16 डिवाइड बाय 16, तो कितने मोल्स आए इसमें 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 16 ग्राम में कितने मोल्स हुए 1 हुए। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻³³ क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था हमारे पास, क्या होना था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना था, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होना था हमारे पास, सही आंसर होना था। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमारे को पहले क्या निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किस में, 16 ग्राम में कितने मोल्स आते हैं, अगर 16 ग्राम में हमारे पास कितने मोल आए 1 मोल आए, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 × 10⁻³³ हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस में, हमारे पास 1 मोल में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल निकालना आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इन 1 किलोग्राम। दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेट इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो फिर से हम इसको भी करेंगे, तो इसको हम भी वैसे ही करेंगे, इसको मैं पहले साइड में कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान से आप देखना मैंने कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, यहां कर देता हूं मैं, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है हमारे पास दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, 9.1 × 10⁻³⁻³ होता है, ठीक है। मास ऑफ किलोग्राम दोस्तों कितना, 9.1 × 10⁻³⁻³ होता है हमारे पास कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से अगर हमारे को 1 किलोग्राम निकालना हो, ठीक है, 1 किलोग्राम निकालना हो, तो 1 किलोग्राम कैसे निकालेंगे, जब ये कहां रहेगा, इसके अपॉन में चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, 1/9.1 × 10⁻³⁻³ हो गया मास ऑफ 1 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 kg। 1 kg में कितने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1/9.1 × 10⁻³⁻, ठीक है। हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालने नंबर ऑफ मोल्स, हमारे को क्या बोले, मोल्स निकालने। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एवरोगैड्रो नंबर, डिवाइड बाय एवरोगैड्रो
गैदरो नंबर, ठीक है। ये हमने कर रखा था, मास ऑफ एटम्स भी हमने कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स भी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो मैं आपको शुरू में बता देता हूँ एक बार स्लाइड से, ठीक है, कहां से हमने ये फॉर्मूला लिया। तो ये फॉर्मूला लिया हमने, देखो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यहां से हमारे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर कहां से लाते हैं, इसके अपॉन में चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जब हम, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा हमारे पास नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही बनेगा ना, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में भी किया, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया कि हमारे को क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने क्या किया, हमने किया नंबर ऑफ मोल्स के क्या लिया हमने, एटम्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आया था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए थे हमारे पास 1 × 9.108 × 10⁻³⁻³ केजी आए थे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है, एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारे पास, यहां देखेंगे आप, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारे पास, 1.9 × 10⁻³⁻³ मल्टीप्लाई, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारे पास, 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा यहां तक, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 1 × 9.108 × 6.022 × अब देखो इनकी पावर क्या है, इनकी पावर्स क्या है, 10⁻³⁻³ और 10⁻²³ तो दोनों की बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी। तो एक पावर क्या है -31 है, और एक पावर क्या है प्लस के 23, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितनी आ जाएगी, माइनस के 8 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 1.10⁻⁸, ठीक है। जब हम इस माइनस के 8 को अपॉन से ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1.9.108 × 6.022 × 10⁸ को कहां ले गए हम, ऊपर ले गए। तो ये वाला ऑप्शन आपने ढूंढना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कहां है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन कहां है, दोस्तों यहां पे ऑप्शन है नहीं है, कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है आई होप। तो इसका सही आंसर होना था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहां देखो आप, यहाँ पे क्या होगा, 10⁸ होगा। तो ये इसका आंसर आ रहा था हमारे पास, 1.9.108 × 6.022 × 10⁸। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इनमें से सबसे ज्यादा एटम किसमें है, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में है, ठीक है, या 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में है, या 18 ग्राम ऑफ CO2 में है, 18 ग्राम ऑफ CH4 में है, किसमें सबसे ज्यादा एटम है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है और इसको आप एक मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको साइड कर लेता हूं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबसे पहले जो मैंने शुरू में फॉर्मूले बताए उनको आप क्या करेंगे, एक कॉपी में लिख लो, तभी आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर।
तो एवोगैड्रो नंबर तो सबका 6.022 इनटू 10 इज पावर 23 रहेगा, ठीक है। गिवन मास देखो, गिवन मास यहाँ पे भी 18 ग्राम दे रखा है, 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 मतलब गिवन मास भी क्या है इनका सबका सेम है, ठीक है। तो अब बचेगा क्या, सिर्फ मोलर मास। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आप इसको एक ट्रिक की तरफ भी याद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलर मास के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमेशा मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि H2O में कितने मोलर मास है, H2O का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितने मॉलिक्यूल इसके 2 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इसका मोलर मास कितना है 18 आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, एक का कितना होगा 16, कितने मॉलिक्यूल है 2 है तो 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। इसके मोलर मास कितना है 32 आ गया। अब CO2 में कितना होता है, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16, कितने मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल 16 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 12 प्लस 32 तो कितना आ जाएगा 2 2 4 3 1 44। तो CO2 का मोलर मास कितना आ गया हमारे पास CO2 44 आ गया। अब CH4 का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने मॉलिक्यूल है 4 है तो 1 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया 16 ग्राम हो गया। इसमें पूछा कि किसमें सबसे ज्यादा एटम होंगे, तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप को ध्यान से देख रहे होंगे, रिलेशनशिप जब आपको दिख रहा होगा, रिलेशनशिप क्या है हमारे पास कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, ठीक है, उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। जो हमारे को रिलेशन बता रहा है कि जिसका मोलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, कम होंगे। तो मोलर मास किसका ज्यादा है, मोलर मास हमारे पास सबसे ज्यादा किसका 44, तो नंबर ऑफ एटम सबसे कम किसके होंगे, इसके होंगे, ठीक है। हमारे को यहाँ पूछा मैक्सिमम, मैक्सिमम किसके होंगे, तो मैक्सिमम किसके होंगे जिनका मोलर मास क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इन चारों में से मोलर मास सबसे कम किसका है, मीथेन का, मीथेन का मोलर मास सबसे कम है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आपने एक ट्रिक हमेशा याद रखनी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें क्या पूछा हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा हो, तो उसके लिए हमेशा याद रखना कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते, नंबर ऑफ एटम्स होते वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते किसके, मोलर मास के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, मोलर मास के। अगर आपका मोलर मास ज्यादा है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अगर मोलर मास क्या है, कम है, मोलर मास क्या है, कम है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे कम मोलर मास किसका आया था हमारे पास, मीथेन का आया था, ठीक है। कितना आया था, सिर्फ 16 ग्राम आया था, ठीक है। तो इसका सबसे कम क्या है, सबसे कम मोलर मास होगा तो नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, इसके सबसे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे यही पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके, 18 ग्राम ऑफ CH4 के। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज, तो ये तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, सिंपल सा इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, हमारे को क्या पूछा है, मास ऑफ एटम पूछा है। तो मास ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, मैंने शुरू में फॉर्मूला बताया था आपको, मास ऑफ एटम निकालने का, मास ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 इज पावर 23, तो इसका क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसके। और आपको TGT कमीशन के लिए इससे, जहां तक मुझे लगता है, इससे सिर्फ आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो इसके न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन हमारे पास, दी लोस्टमिटेड नंबर इज द नंबर ऑफ, तो दोस्तों दी लोस्ट, इसमें दोस्तों एस साइलेंट रहता है, लोस्टमिटेड नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप लर्न कर लेना, वो क्या होता है, दी मॉलिक्यूलर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ गैस एट STP, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाना था, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ, मॉलिक्यूलर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ गैस एट STP, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस
ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2। तो 1 मोल ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 × 10⁻²³ होंगे। ठीक है, अब 6.022 × 10⁻²³ क्या होंगे, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बताओ दोस्तों मेरे को। जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में एटम्स होंगे वो क्या कि मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि O2 क्या है, एटम के मॉलिक्यूल्स है। O2 क्या है, O2 किससे बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बना है। तो दो, जब भी दो से, दो या दो से अधिक आपस में एटम कंबाइन करते तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, तो इसमें क्या आएगा, 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा, ना कि 6.022 × 10⁻²³ एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और ये क्वेश्चन हमारे को TGT कमीशन में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन इजी ही आते हैं आपको TGT कमीशन में। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, आपने बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि 2.5 लीटर ऑफ ए 1 एम NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 3.0 लीटर ऑफ 0.5 mL सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ दी रिजल्टिंग सॉल्यूशन। हमारे को मोलैरिटी से न्यूमेरिकल आया है, तो दोस्तों न्यूमेरिकल भी हमारे को उसमें आ चुका है, एक बार कमीशन में आ चुका है, वहीं से मैंने ये न्यूमेरिकल उठाया है। ठीक है, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखना। तो हमारे को क्या बोला कि 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स विद दी, किस साथ मिक्स किया, 3 लीटर ऑफ 0.5 mL ऑफ NaOH सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले इसको हमारे को क्या निकालने पड़ेंगे, मोल निकालने पड़ेंगे। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को पता है कि 1 लीटर, ध्यान से देखना दोस्तों, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कितने कंटेन कर रहा है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी इसकी बात करनी हमने। ठीक है, जब हमारे पास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितने कंटेन कर रहा है, हमारे पास 1 मोल कर रहा है। ठीक है, जब हम कितने मोल कर रहा है, 1 मोल कर रहा है, तो 2.5 लीटर कितने मोल करेगा, 2.5 लीटर कितने करेगा, तो 2.5 लीटर कितने करेगा, 1 × 2.5 करेगा। ठीक है, 1 लीटर कितना कर रहा है, 1 मोलर कर रहा है। ठीक है, तो 2.5 लीटर कितने मोलर करेगा, 1 × 2.5, तो कितना आ जाएगा, 2.5 मोल करेगा, 2.5 मोल ही करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये वाली कंडीशन, 3.0 ऑफ 0.35 मोलर ऑफ NaOH। तो इसमें क्या है, 1 लीटर कितने, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, पूरा लिख लेता हूं मैं आपको, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन। अब यहाँ पे कितने कर रहा था, पहले कितने कर रहा था, 1 mL कर रहा था, अब कितने कर रहा है, 0.5 कर रहा है। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितने मोलर कर रहा है, 0.5 मोलर कर रहा है। तो 3 लीटर कितना करेगा, 3 लीटर कितना करेगा, 0.5 × 3, तो कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, 1.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल सा होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है अपन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलरिटी निकालने का। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, पहले कितने, जब ऊपर वाली कंडीशन हमने ली, जब हमने ये वाली कंडीशन ली कि 2.5 mL वाली कंडीशन, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, ठीक है, इसमें आए थे हमारे पास 2.5 मोल आए थे। ठीक है, और जब हमने ये वाली कंडीशन ली 3.0 वाली, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास, इसमें आए हमारे पास 1.5 मोल्स आए। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 5, 5, 10, 1, 2, 3 और 1, 4। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए हमारे पास, 4। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम भी कितना हुआ, पहले वॉल्यूम कितना था, 2.5 लीटर, और दूसरा कौन कितना था, 3.0 लीटर। तो 2 + 3.0 कितना आया, 5, 3 और 2, 5। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, टोटल 5.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, 4/55 × 10, तो कितना आ जाएगा, 40/55 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे काट सकते हैं, 5×8 = 40, 11, 8/11, तो 11 से डिवाइड करेंगे किसको, 8 को, ना जाने की जीरो लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगा, क्या बन गया है, 80 बन गया, 11 × 7 = 77। ठीक है, तो 10 में 7 गए 3, ठीक है, पॉइंट की फिर से जीरो उतर जाएगी, 30 बन गया, 11 × 2 =
22, तो इसका आंसर कितना है 0.72, ठीक है। तो 0.72 की अप्रोक्स कितना आएगा इसका, 0.73 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मोलैरिटी वाले क्वेश्चन आपको वैसे ही आएंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में कर रखे, इस टाइप में भी आपको कमीशन में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मोलैरिटी इसमें देखो क्या दे रखा था, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं अगर आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या दे रखी थी, दो कंडीशन दे रखी थी। एक कंडीशन क्या थी, 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH दे रखा था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हम मान के चले कि 1 लीटर में कितने मोल, पहले कितने थे, 1 मोल थे। 1 लीटर में कितने मोल थे, 1 मोल थे, ठीक है। तो 2.5 लीटर में कितने होंगे, 2.5 लीटर में कितने होंगे, तो 1 लीटर में 1 है तो 2.5 लीटर में कितने हो गए, 1 × 2.5, ठीक है। तो कितने मोल आ गए, 2.5 मोल आ गए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास कि 3.0, दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, दूसरी कंडीशन थी हमारे पास 3.0 लीटर ऑफ 0.5 mNaOH। तो इसमें भी हम मान के चलते कि 1 लीटर कितना कर रहा है, इस बार कर रहा है 0.5 m, 1 लीटर कितना कर रहा है, 0.5 मोल कर रहा है, ठीक है। तो 3 लीटर कितना करेगा, 3 लीटर कितना करेगा, तो 0.5 × 3 कर दिया हमने, कितने मोल आ गए, 15, 1.5 मोल आ गए, कितने मोल आ गए, 1.5 मोल आ गए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया फॉर्मूला, ठीक है। टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 2.5 + 1.5, तो ए कितना आ गया हमारे पास, प्लस करके 4, और सॉल्यूशन भी हमारे पास टोटल कितना आ गया, 2.5 लीटर और 3 लीटर, कितना आ जाएगा, 5.5 लीटर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.73। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नाइन्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्स, कितने एटम्स होंगे हमारे पास 4.25 ग्राम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। तो एटम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमने कर रखा है नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो। तो सबसे पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इसके हमारे को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे इसके, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हम किसके, NH3 के। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं हम, इसको मैं पहले साइड कर लेता हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं हम गिवन मास, देखो दोस्तों बार बार ये फॉर्मूला लग रहा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे को दे रखा कितना, 4.25 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, तो एन का कितना होता है हमारे पास, मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, एच का कितना होता है 1, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने मॉलिक्यूल है 3, तो कितने आ गए, 7 आ गए। तो नंबर ऑफ क्या आ गया हमारे पास, मोलर मास कितना आ गया इसका हमारे पास 17, तो 4.25 डिवाइड बाय 17, जो कि हमारे पास कितना आएगा, 0.25 मोल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास, 0.25 मोल आ गए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे को बोल रखा, ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। हमने बोला कि 1 मोल, अब 1 मोल जो था हमारे पास, 1 मोल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻²³ होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितने मोल है यहाँ पे, 0.25 मोल है, कितने मोल है, 0.25 मोल है। तो 0.25 मोल में कितने होंगे, ठीक है, 1 मोल में इतने है, तो 0.25 में कितने होंगे, तो इससे किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.25 × 6.022 × 10⁻²³, ठीक है। ये हमारे पास क्या आगे, क्या आगे हमारे पास है, मोल्स आगे, क्या आगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आगे। तो ये कितने हुए हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 1.5 × 10⁻²³ मोल्स, इसको मल्टीप्लाई करके कितना है हमारे पास, 1.5 × 10⁻²³ मोल्स आ गया, ठीक है। अब एक इसमें कितने एटम्स है, ठीक है, ये तो आया 1 मोल के लिए, ये आया 0.25 मोल के लिए, 0.25 मोल के लिए कितने मोल्स होते हैं हमारे पास, कितने
एटम्स होते हैं हमारे पास वन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने मोल लिख लिया, ठीक है, यहाँ होना था हमारे पास एटम, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ क्या होना था हमारे पास एटम होना था, कितने एटम्स आए हमारे पास 1.5 × 10^23 एटम्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब इसमें कितने एटम है हमारे पास, टोटल कितने एटम है इसमें हमारे पास, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन NH3 किससे बना है, NH3 हमारे पास किससे बना है दोस्तों, याद रखना आप, ठीक है, NH3 हमारे पास किससे बना है, एक नाइट्रोजन से और तीन किससे, हाइड्रोजन से बना है, तो टोटल एटम कितने इसमें, चार एटम है, टोटल एटम कितने, चार एटम है, ठीक है। एक एटम का कितना आया था हमारे पास, कितना आया था 1.5 × 10^23 मोल आए थे, ठीक, एक एटम के आए थे इतने, ठीक है, तो चार एटम को कितने आएंगे, तो 4 × 1.5 × 10^23 करना पड़ेगा, तो 4 × 5 = 20, 0 × 2 = 4, 4 × 5 = 6, 6.0 आ गया × 10^23, तो इसका आंसर क्या होना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है ये हमारा, ठीक है, और ये भी हमारे पास कमीशन में न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे को कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है, वाटर की हमारे को अमाउंट निकालना है इन ग्राम्स, जो कि कंबशन की हमने किसकी, मीथेन की, ठीक है, मीथेन की कितनी कंबशन की हमने, 16 ग्राम कंबशन की, तो मान लो मीथेन हमारे पास CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला, जब हमने इसकी कंबशन की तो कंबशन किस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाता है, कितने बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है, तो हमने मीथेन हमारे पास कितना दे रखा है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम जो मीथेन हमारे पास, 16 ग्राम जो मीथेन है उसने कितना प्रोड्यूस किया हमारे पास, कितने मोल वाटर के प्रोड्यूस किए, 2 मोल किए, कितने मोल वाटर के प्रोड्यूस किए, 2 मोल किए, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो वही 2 × 1 + ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आ गया वाटर का, 18 आ गया, ठीक है। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 18 ग्राम के बराबर, तो 2 मोल किसके बराबर होंगे, 18 × 2, तो कितने मोल थे इसके, 2 मोल थे वाटर के, तो कितने ग्राम हुआ है, 36 ग्राम हुआ, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर था इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। क्या किया हमने, मीथेन को कम्बशन किया, क्या बनाया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया था, जब भी हम मीथेन की कम्बशन करते, तो इन्होंने बोला कि 16 ग्राम जो मीथेन था उसने कितने मोल प्रोड्यूस किए, 2 मोल प्रोड्यूस किए, ये हमारे को किससे पता चला, रिएक्शन से पता चला, ठीक है। तो 1 मोल जो 1 मोल हो तो कितने ग्राम के बराबर हुआ, तो H2O को हमने क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास निकाला, कैसे निकाले हम, वही 2 × 1 + 16 कितना आ गया हमारे पास, 18 ग्राम आ गए, तो 1 मोल किसके बराबर था, 18 ग्राम, तो 2 मोल किसके बराबर होंगे, 36 ग्राम के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कम्बशन, ये दोस्तों सेम वही न्यूमेरिकल है, ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये भी, इसमें भी क्या वही रिएक्शन बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी, मीथेन की जब हमने कम्बशन की, ठीक है, मीथेन की जब हमने कम्बशन की तो क्या बनता है हमारे पास, मीथेन की कम्बशन करके हमारे पास CO2 + 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है, ठीक है। तो हमारे को क्या बोला कि हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथेन है, जो 1 मोल ऑफ मीथेन है वो कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की पूछा है, ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा है, तो 1 मोल ऑफ मीथेन ने कितने मोल प्रोड्यूस किए, 1 मोल ही प्रोड्यूस किए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 2 है, तो CO2 को हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना होगा 12 + 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 ग्राम, तो 1 मोल की ऑफ जो मीथेन था उसने कितने प्रोड्यूस किया, 44 ग्राम प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, जो 44 ग्राम प्रोड्यूस किया, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, इसको हम परे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/44 हो जाएगा, 1/44 हो जाएगा, तो यहाँ पे पूछा कि 22 ग्राम मीथेन ने कितना किया, तो 1 ग्राम ने कितना किया, 1/44, तो 22 ग्राम ने कितना करना, तो 1/44 1/44 × 22, तो इसको काट लो कितना आ जाएगा, 1/22 × 44, तो कितना आ गया 1/2, इसको जब हम काटेंगे तो 0.5 मोल,
तो कितना प्रोड्यूस किया इसने, 0.5 मोल प्रोड्यूस किया। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल था दोस्तों, तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ने पड़ेंगे, बार बार ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आने वाले हैं, तो आपको ये बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म इसमें से इंडिपेंडेंट होती है हमारे टेम्परेचर की, तो कौन सी होती है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो कौन सी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, तो मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है हमारे, हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मैं आपको पहले बता चुका। नॉर्मलिटी भी दोस्तों मैंने कल वाली वीडियोस में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना था, यहाँ कंफ्यूज ही लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या होना था, जो नॉर्मलिटी भी होती, तो नॉर्मलिटी क्या होती, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, जहां भी सॉल्यूशन आएगा लीटर में तो वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट हमेशा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नॉर्मलिटी में भी हमेशा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, फॉर्मेलिटी में भी हमेशा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो किसमें हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ मोलैलिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो दोस्तों ये भी मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलर मास के, ठीक है। अब इनका मोलर मास आप देख लो, किसका मोलर, AU का मोलर मास कितना होता है, ठीक है, AU का मोलर मास होता है हमारे पास, AU का होता है 197, ठीक है, AU का मोलर मास कितना होता है 197 होता है, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ठीक है, लिथियम का कितना होता है 7 होता है, और Cl2 का कितना हुआ, Cl2 का 35.5, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे Cl2 नहीं होना, यहाँ पे Cl ही होना, ठीक है, कितना हुआ 35.5 हुआ, ठीक है। तो हमारा जिसके सबसे ज्यादा मोल, जिसके क्या होगा, जिसका सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास होगा उसके नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, कम होंगे, और जिसका मोलिकुलर मास कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हमारे को क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, जिसका मोलिकुलर मास क्या होगा, सबसे कम होगा, तो सबसे कम मोलिकुलर मास किसका है, लिथियम का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ CO2, 18 ग्राम ऑफ CO2 में कितने हमारे पास एटम प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला दोस्तों कितनी बार मैं आपको करवा चुका हूं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास इनटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अब मैं बार बार नहीं आपको करवाने वाला, आप ध्यान से इसको एक बार फिर से देख ले, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकालने पड़ेंगे, हमारे को नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो गिवन मास कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 होता है दोस्तों, मैं डायरेक्ट ही करूंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई 44 एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻³। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4090, तो इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, 0.4090 इसको काट के आएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, 6.022 × 10⁻³, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके आया हमारे पास कितना, इतना, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारे पास लगभग 2.463 × 10⁻³। जब हमने किसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो कितना है हमारे पास, 2.463 × 10⁻³। तो ये हमेशा दोस्तों हमेशा याद रखना, ये किसका, एक एटम निकालने का फॉर्मूला है, किसका, एक एटम निकालने का। तो CO2 में कितने एटम है हमारे पास, CO2 में कितने एटम है, एक एटम किसका है, कार्बन का, और ऑक्सीजन के कितने एटम, दो, तो टोटल एटम कितने है, 3। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो एक एटम में इतने इतने मोल, एक एटम में कितने मोल्स है, 2.46 × 10⁻³ मोल्स है, तो तीन एटम में कितने हो गए, तो 3 × 2.463 × 10⁻³। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.389, तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर डी 7.389। तो लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए रखा है हमने, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।
14 ग्राम ऑफ एन कॉस्टिक सोडा कंटेंट, 40 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा जो है वो कितने क्या कंटेन करता है, 6.0 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन करेगा या 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन करेगा या 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 करेगा या 4 ग्राम ऑफ Na करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला आ गया तो आप सिंपल सा ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला आ गया तो आप ये न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला जरूर बताना। तो आपको ये जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया, ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक बार ही करने से नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको TGT कमीशन में आते हैं। ठीक है, हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे अपने TGT कमीशन में, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं होता, बस आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इस चैप्टर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि हमारा प्लस वन का चैप्टर है, इसी से हमारे पास कमीशन में सिर्फ न्यूमेरिकल ही आपको देखने को मिलेगा, कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन इससे नहीं आता। तो आप सोच लो कि इससे न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल रही होगी, तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्या एक छोटा सा दिल जरूर रिएक्ट करना। इससे हमारे को पता चलता है कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितनी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।